Hello and welcome to my next lecture where we will be discussing about the much awaited uh, topic which is the lookup function. The first which comes uh, in the in the lookup function is is the Vlookup function. okay, the vertical look lookup function. So this is how the sheet looks like. Let me just zoom a bit. Uh, yeah, now it's fine. So now uh, I'll just give you an idea of what uh, what I what my actual aim is, okay? So, this is a sheet. Uh, say, for example, my manager has given me uh, a sheet and said, Hey, uh, I need uh, the first name, last name, email ID, and the error person for these employee IDs, uh, for, for the employees whose IDs are this. And so, uh, he or she uh, has given me uh, a sheet which only contains the ID, and I have the master employee list. I have this list with me okay i have all of the data with me and um, i need uh, my my manager only needs these many data and first name last name email id and other percent I, I need to provide uh, my manager okay how how do i do this so, uh, we can we can uh, go and check like say for example i can copy this i'll go over here i'll see okay uh, control f I'll do 11057. Okay, the first name for 11057 is Akshat, A-K-S-H-A-T. Akshat. Last name is. I'll go ahead and see again. I'll type in Sharma. This doesn't sound feasible, right? Because uh, you already know uh, the basic uh, aim of function is to to ease our process, right? so i'll just uh, introduce you to the to the vlookup uh, vlookup function remember uh, the previous two lectures relative and absolute referencing this was very 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 important because to understand vlookup function you need to understand the absolute referencing as well now how uh, how we write the vlookup function we say is equals to we type vlookup if i uh, you, you can just see it uh, the the excel is suggesting as vlookup i can just press tab Value. Value means, वो value जो आपके दोनों शीट में यूनिक है आप चाहते हो कि एक्सेल जाए और उसी वैल्यू को देखे क्योंकि नाम आपका रिपीट हो सकता है फर्स्ट नेम आपका रिपीट हो सकता है लास्ट नेम आपका रिपीट हो सकता है लेकिन इंप्लॉय आई डी रिपीट नहीं हो सकती

Suppose करो मैंने पूरा का पूरा ऐसे सिलेक्ट कर दिया क्लियर तो लुकअप वैल्यू मतलब मैं एक्सेल को यह बोल रहा हूं कि इस वाले वैल्यू को जाकर के देखो दूसरा क्या कह रहा है कॉमा दिया मैंने टेबल में जाके इस वाले टेबल में जाके मैंने एक्सेल को बोला इस वैल्यू को देखो ए ए को जो कॉलन ए में है मेरा कौन से कौन से वाले शीट में जाकर के मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट वाले शीट में जाकर के कहां से कहां तक टेबल ए से जी तक ए से जी तक अब मुझे कौन सी वैल्यू दो जो कॉलन इंडेक्स नंबर कह रहा है राइट इंडेक्स नंबर मतलब कौन से, कौन से से में आपकी वैल्यू है? तो तो एक, वैल्यू है है तो तो हमें फर्स्ट नेम चाहिए हमारा जो वो दो में है राइट right? उसके बाद हम क्या करेंगे या तो ट्रू या तो फॉल्स तो वी लुकअप में आप ट्रू देते हो तो अप्रोक्सीमेट मैच देगा लेकिन हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए हम क्या करेंगे फॉल्स पे क्लिक करेंगे फॉल्स टाइप करेंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर दिस okay? uh, हमने एक्सेल को बोला ये वाली वैल्यू को जाकर के देखो कौन से टेबल में मास्टर इंप्लॉय तक के कौन सा वैल्यू मेरे को वापस दो टू और क्योंकि मुझे एग्जैक्ट चाहिए मैंने यहां पे फॉल्स टाइप कर दिया अब क्या करते हैं क्योंकि ये फार्मूला है हम कॉपी पेस्ट यूज़ करेंगे बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत है नहीं चलते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं ठीक है हमारा ए ए मास्टर लिस्ट अंश ब्रिजेश ज्योति काजल लोकेश मयूर ये सारे वैल्यूज़ आ गए हम चेक भी कर लेंगे क्या हमारा ये सही है या गलत है हम क्या करेंगे फिर से इसको क्यों ना हम इसे कंट्रोल आर कर दें राइट कंट्रोल आर कर देते हैं एक चीज लास्ट नेम जो है वो हमारे अब एक चीज अगर हम देखें तो हमारा जो फॉर्मूला है यहां पे आइए आप देख रहे होगे ये बी बी हो चुका है इट मींस जो हमारा प्राइमरी की वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इस फर्स्ट नेम को ले रहा है बट प्राइमरी की हम, हम हमेशा हमारा

रेफरेंसिंग का यूज करना है तो हम क्या करेंगे पूरा का पूरा कॉलम ए को ही हमें क्या करना है फ्रीज कर देना है हम फ्रीज कर देंगे अब क्या करते हैं अब हमें कंट्रोल डी करना है फिर कंट्रोल आर करके देखते हैं ठीक है अब हमने क्या करा हमारा ए ए मतलब इसको रेफर कर रहा है अगर आप इस पर ध्यान से देखोगे तो हमारे जो मास्टर इंप्लॉय टेबल कहां से कहां तक है A से जी तक ए से जी तक ठीक है लेकिन यहां तो ए से जी आ रहा है अगर आप यहां पे देखोगे ध्यान से, ए से जी आ रहा है क्लियर है मास्टर एम्प्लॉ लिस्ट हमारे शीट का नाम है और A से जी कॉलम वहां पे हमें जाना है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है बी से एच तो क्यों ना हम ए से जी को भी फिक्स कर दें राइट right? से जी को भी हमने फिक्स कर दिया फिर अब अगर हम इसी फॉर्मूला को कंट्रोल डी करेंगे यहां पे कंट्रोल आर करेंगे फिर हमारा गलत आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा फर्स्ट नेम के लिए हमने कॉलर नंबर टू का डेटा लिया जो कि करेक्ट है कॉलर नंबर टू में हमारा फर्स्ट नेम है लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे लास्ट नेम तो हमारा कॉलर नंबर थ्री में है तो आपको ये वाली जो वैल्यू है थ्री ये आपको चेंज करना पड़ेगा सॉरी ये आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे जाकर थ्री कर दिया आपने और ये आपका पूरा का पूरा वैल्यू आ गया राइट उसके बाद ई मेल कौन से सेक्शन में है आपका ई मेल है वन टू थ्री फोर फोर में है तो आप क्या करोगे यहाँ पे फोर टाइप करोगे क्लियर और आपके ईमेल आईडीज़ भी आ गए एरर परसेंट कौन से में है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन में है क्लियर अब आप क्या करोगे सेवन को टाइप करोगे हमने परसेंटेज कर देना है इसको ठीक है तो दिस इज अ अन्सेप्ट कॉल्ड वी लुकअप लेट्स लर्न इट वन मोर टाइम ठीक है पूरा डिलीट करते हैं ठीक है हमने क्या करना है थोड़ा सा और जूम करता हूं So that आप लोग फॉर्मूला बड़े आसानी से देख पाओगे राइट वट विज इक्वल्स टू वी लुकअप दस्ट थिंग लुकअप वैल्यू मैं चाहता हूं मेरा एक्सेल इस वैल्यू को देखे मतलब कॉलन ए की वैल्यू को जो कि मैं फिक्स करना चाह रहा हूँ हमेशा जाके सिर्फ इंप्लॉय आई को ही देखे फिक्स करना है इसलिए मैंने डॉलर साइन का यूज करना है तो मैंने कॉलन ए को फिक्स कर दिया कॉमा टेबल एरे कौन से टेबल को इस वाले टेबल को ये भी हमेशा फिक्स रहेगा मैंने इस टेबल को भी फिक्स कर दिया क्योंकि इंडेक्स का मतलब आप उस वाले सेल में कौन से कॉलन का वैल्यू लेकर जाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट नेम है वहां तो हमने कॉमा देकर टू कर देना है उसके बाद क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए फॉल्स कर देंगे ओके ठीक है फिर अगर आप कंट्रोल डी करोगे तो सारे वैल्यूज आ जाएंगे सेम आप फॉर्मूला को कॉपी कर दो यहाँ पर और कुछ नहीं करना बस वैल्यू चेंज करना है लास्ट नेम हमारा कॉलन इंडेक्स नंबर थ्री में था हमने थ्री करा एंटर ये हमारा फोर में था हमने फोर पे क्लिक कर दिया ठीक है और ये हमारा सेवन में था हमने सेवन पे क्लिक कर दिया अब अगर हम इसे पूरा ड्रैग करेंगे यानी कंट्रोल डी करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा एक लेक्चर में बताया था परसेंटेज कैसे करना है वो आप ऐसे कर सकते हो ये आपकी एक लिस्ट रेडी हो गई जो आप अपने मैनेजर को सेंड कर सकते हो बिना किसी भी दिक्कत के क्योंकि आपको अगर आप ऐसे नहीं करते आपको मैन्युअली करना पड़ता और अगर वो लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी होती आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता तो कभी भी अगर आपको डेटा किसी दूसरे शीट से लेकर के आना है तो आप वीलुकअप का यूज कर सकते हो लेकिन वी लुकअप पे हमेशा यह ध्यान रखना जिसको आप लुकअप कर रहे हो वो डेटा वो डेटा यूनिक होने चाहिए रिपीट नहीं होने चाहिए उसमें डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए अच्छा अब हमने तो देखा सेम वर्कबुक में सेम वर्कबुक में सेम एक्सेल वर्कबुक में अगर दो वर्कशीट में डेटा है वहां से हमने वी लुकअप के थ्रू तो डेटा कैसे लेकर आया अब सपोज कीजिए यही डेटा किसी नए शीट में है, Say for example, इस शीट में है। अब हम कैसे लेकर आएंगे डेटा बड़ी आसान है बड़ा आसान है चलिए इसे पूरा का पूरा डिलीट करते हैं कॉन्सेप्ट वही रहेगा वी लुकअप लुकअप वैल्यू हमारा ये हम इसको फ्रीज कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं हमेशा लुकअप वैल्यू यही रहे फिर टेबल है, कौन से शीट का टेबल है अब हमें दूसरे शीट से चाहिए इसका मतलब ये वाला इसको भी हम फिक्स कर देंगे हमने हमने यहाँ पे ये फिक्स कर दिया क्लियर उसके बाद हमें कॉलन इंडेक्स नंबर यानी टू चाहिए फिर फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज आ गया अक्षत डन फिर से इसको आप गैदर कर लो थ्री है थर्ड में है ठीक है फिर आपका ईमेल आई फोर्थ में था फोर फिर आपका जो एरर परसेंट है वो सेवन में था हमने सेवन कर दिया हम यहाँ गए कंट्रोल डी कर दिया हमने और ये हमारा डेटा रेडी हो गया है क्लियर अब क्या करोगे आप फिर से परसेंटेज बढ़ाना है बढ़ा दो आप दिस इज हाउ यू टेक द डेटा एक वर्कबुक में दूसरे वर्कशीट से और डिफरेंट वर्कबुक से भी आप ले सकते हो नाउ वन रिमेम्बर वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ यू सेव दिस ओके? इफ इफ यू यू सेव सेव दिस, दिस नाउ डॉक्यूमेंट ओके देर इज अ चांस इफ यू क्लोज दिस शीट जिसको वो रेफरेंस कर रहा है राइट right? आपका डेटा यहां से मिस हो सकता है तो आप उस केस में क्या करोगे अगर आपको ये फाइल ई करनी है कॉपी करो इसको राइट क्योंकि हमारा डेटा आ चुका है राइट क्लिक करो पेस्ट स्पेशल पे जाओ पेस्ट स्पेशल पे जाओ और वैल्यूज पेस्ट कर दो सारे फॉर्मूले चले गए पूरा का पूरा वैल्यू कप चला गया अब आप इसको सेव करो इसे अगर आप बंद कर भी देते हो तो कोई दिक्कत है नहीं आपको राइट इसको सेव करने की जरूरत है नहीं तो वॉट वी हैव लर्न वी लर्न वेल्यू कप फंक्शन दो तरीके से एक तो एक ही वर्कबुक में अगर दो डिफरेंट वर्कशीट में डेटा है वहां से आप कैसे लोगे और अगर डिफरेंट डिफरेंट वर्क में है तो वहां से आप कैसे लोगे लोगेक्स्ट लेक्चर वी लर्निंग अबाउटेंटलो लर्न इज द डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड thank बट इन द नेक्स्ट लेक्चर great डे